नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2019 की टीम स्क्वाड की। कौन से खिलाड़ी यहाँ पर खेल सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के? चेन्नई सुपर किंग्स ने यहाँ पर कर लिए 23 खिलाड़ी रिटेन। तो चलिए आपको इस पूरी लिस्ट दिखाते हैं कि टीम में कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे आईपीएल 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर दें। तो सबसे पहले हम पिछली बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के यहाँ पर विदेशी खिलाड़ियों की बात करते हैं कि कौन से फॉरन खिलाड़ी हैं जिन्हें वो वापस रिटेन किया है। तो यहाँ पर 8 फॉरन खिलाड़ियों को रिटेन किया है चेन्नई सुपर किंग्स में, जिसमें सबसे पहले हैं शेन वाटसन। पिछली बार शानदार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने और 2 शतक भी जड़े थे। वहीं पर इसके बाद ड्वेन ब्रावो एक बार शानदार ऑलराउंडर हैं और पिछली बार भी शानदार प्रदर्शन किया था इन्होंने, इन्हें फिर रिटेन किया चेन्नई सुपर किंग्स ने। वहीं पर पाप डुप्लेसिस ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले साल, जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स को इन्होंने फाइनल में पहुँचाया था। और उसके बाद अब लुंगी इंगिडी, इन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की थी पिछले साल और एक प्रभावित किया था सभी को, और इसी के चलते एक बार फिर रिटेन किया चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्हें। वहीं पर इमरान ताहिर अफ्रीका में अगर आईपीएल होता तो वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। वहीं इसके बाद सैम बिलिंग्स, इंग्लैंड के खिलाड़ी, पिछली बार कई मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने भी, और एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्हें रिटेन किया है। वहीं पर डेविड विली ने भी कुछ मैचों में अच्छी गेंदबाजी की थी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जिसके चलते एक बार फिर रिटेन हुए हैं। और अब एक खिलाड़ी जिनको पिछली बार खेलने का मौका ज़्यादा मिला नहीं था, मिचेल सेंटनर है। तो इन्हीं 8 विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने यहाँ पर आईपीएल 2019 के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया के प्लेयरों की, किन भारतीय खिलाड़ियों को यहाँ पर रिटेन किया और 2019 में खेलते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले कैप्टन एंड विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी को फिर रिटेन, ये तो रिटेन होने थे, इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था पिछले साल, 400 से ज़्यादा रन बनाए थे, चेन्नई सुपर किंग्स को फिर से चैंपियन बनाया था इनकी कप्तानी में। वहीं पर इसके बाद अहम खिलाड़ी सुरेश रैना काफ़ी सालों से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बने, यानी कि जब से चेन्नई सुपर सिंह आईपीएल में आए हैं तब से ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। वहीं पर अंबाती रायडू ने भी पिछली बार शानदार प्रदर्शन किया था और इसी प्रदर्शन के दम पर इन्होंने भारतीय टीम में भी वापसी की है, तो शानदार प्रदर्शन किया था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पिछली बार। वहीं पर इसके बाद मुरली विजय को यहाँ पर फिर से रिटेन किया है, क्योंकि मुरली विजय को भी पिछली बार चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था और इस बार इन्हें ज़्यादा मौका दिया गया, लेकिन फिर इन्हें रिटेन किया इस बार। वहीं पर कर्ण शर्मा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हालांकि पिछली बार उतना अच्छा कमाल कर नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर रिटेन किया है इन्हें। वहीं पर रविंद्र जडेजा एक शानदार ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, एक शानदार फील्डर हैं ये, और इन्हें एक बार फिर रिटेन किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। वहीं पर इसके बाद दीपक चहर ने भी पिछले साल शानदार गेंदबाजी करके दिखाई थी अपनी, और लोहा मनवाया था अपनी गेंदबाजी का, जिसके दम पर इन्होंने भारतीय टीम में भी जगह बनाई थी। वहीं पर शार्दुल ठाकुर भी शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं अब तक, चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर रिटेन किया, ये बल्ले से भी कभी कभी कमाल दिखा देते हैं। इसके बाद ध्रुव शौर्य, इनको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं दिया था, एक मैच ही खेले थे, लेकिन फिर भी शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं पर केदार जाधव पिछली बार चोटिल हो गए थे, लेकिन इन्हें एक बार फिर रिटेन किया यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने। वहीं पर अब हरभजन सिंह को भी फिर से रिटेन किया है, सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के और स्पिन गेंदबाज हैं, तो शानदार गेंदबाजी करके टीम को फायदा पहुँचा सकते हैं। वहीं पर अब बात करें अनकैप्ड खिलाड़ियों की जिन्हें ज़्यादा खेलने का मौका मिला नहीं है, तो एन जगदीशन, के एम आसिफ, मोनू कुमार और चेतन बिश्नोई, ये थे अनकैप्ड खिलाड़ी जिनको ज़्यादा आईपीएल में खेलने का मौका मिला नहीं। यहाँ पर के एम आसिफ को जरूर एक मैच खेलने को मिला था पिछली बार, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला था। वहीं पर हम अब बात कर लेते हैं रिलीज खिलाड़ियों की, तो रिलीज में यहाँ पर मार्क वुड को रिलीज कर दिया गया है चेन्नई सुपर किंग्स तरफ से, वहीं क्षितिज शर्मा और कनिष्क सेठ को भी रिलीज कर दिया है। तो यही थी चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम, अब 2019 में खेलेंगे 23 खिलाड़ी। तो चलिए अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट आईपीएल की यहाँ पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।